इस कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत लड़की डायन स्टीवन से। डायन एक इंग्लिश प्रोफेसर है। फिलहाल वो बोट द लिलियन पर रिलैक्स कर रही है। यहाँ रिलैक्स करने के बाद वो ओशन व्यू कॉलेज की तरफ जाती है। यहाँ वो प्रोफेसर है। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मैकबेथ के ऊपर क्लास दे रही है। मैकबेथ के द्वारा किए गए मर्डर और उसके एम्बिशन को वो हाईलाइट कर रही है। इस लेसन का इस फिल्म से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ये हमें आगे पता चलेगा। लेसन के बाद वो जे रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? जे इस बात की कंफर्मेशन देता है कि हाँ, वो काम की तलाश में है। बाद में हमें जे लिलियन शिप पर पेंटिंग करते हुए दिखता है। यहाँ डायन स्विम सूट में है। वो जे को बड़े गौर से देखती है, जबकि जे लिलियन के एक्सटीरियर वुडवर्क को वार्निश करने में मशगूल है। डायन इसके बाद जे को बोट के अंदर बुलाती है, उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वो जे से पूछती है, क्या तुम इस बोट के इंटीरियर को भी वार्निश कर सकते हो? जे कहता है, इसे कंप्लीट करने में मुझे कम से कम पूरा एक दिन लग जाएगा। जे काम में बिजी है, पर डायन उसे अटेंशन चाहती है। जब वो उसे तवज्जो नहीं देता, तब वो उसे कहती है, तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते। जे कहता है कि वो भी डायन को पसंद करता है। डायन कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो प्रूव करके दिखाओ। यहाँ वो जे को किस करती है। जे भी उसका साथ देता है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। जे यहाँ डायन से उसके हस्बैंड माइकल के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर माइकल को इनके बारे में पता चला तब जे का क्या होगा। डायन यहाँ उसे प्रॉमिस करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी माइकल तक ये बात पहुँच नहीं पाएगी। इसके बाद डायन जे को गैस स्टेशन पर ड्राइव करके ले जाती है। यहाँ पर जे जॉब करता है। डायन यहाँ जे से एक फेवर करने को कहती है। जे इसकी रजामंदी दे देता है, पर यह फेवर क्या है ये अभी कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। इधर अपने घर पर माइकल और डायन आपस में बातें कर रहे हैं। ये जे को किस तरह अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल के मदर और ग्रैंड मदर से इन्हें लार्ज इनहेरिटेंस मिलना है। इसमें लिलियन बोट भी शामिल है। पर इनकी प्रॉब्लम यह है कि माइकल की मदर और ग्रैंड मदर इस कपल को पसंद नहीं करते। वो तो इन दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। माइकल यहाँ कहता है कि उन्हें कुछ और भी वेट करना चाहिए, पर डायन कहती है कि वो काफ़ी बोर फील करती है। वो कहती है कि आने वाले समर में वो यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। अगले दिन डायन और माइकल कॉलेज जाते हैं। यहाँ वो जे से मिलते हैं। वो जे से कहते हैं, तुम्हें लिलियन और लेटी को घर से डराते हुए खदेड़ना होगा, इसके बाद हम उन्हें रिटायरमेंट होम में रख देंगे। जे इन सब के लिए एग्री कर जाता है। फिलहाल वो डायन के आकर्षण में है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। घर पर लिलियन गार्डनर जॉर्ज से पूछती है, क्या तुम मार्टिन को देखने जाओगे? जॉर्ज इसका जवाब ना में देता है। इन दोनों की बातों के बीच का क्या राज है ये अभी कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। लिलियन जॉर्ज से कहती है, हमें आपस में बात करनी चाहिए, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। लिलियन लेटी से भी डिस्कस करती है कि इन्हें अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। जे इस कपल को डरा कर इस घर से खदेड़ने की कोशिश करता है। इस बड़े प्रॉपर्टी और इतने बड़े घर में उसे इन दोनों को डराने का काम दिया गया है, पर एंटर करते ही वो खुद भी डर जाता है। जे इस समय इन्हें डराने के लिए बेसमेंट में है, पर फैमिली डॉग उसे सूंघ लेता है। वो जे पर भौंकना शुरू करता है। लिलियन ये रियलाइज़ करते हैं कि घर में कोई चोर घुसा है। लिलियन भी जे का पीछा करती है और राइफल से उस पर शूट करती है। जे तेज़ी से यहाँ से भागता है। लिलियन के कई बार खाली गए हैं। जैसे तैसे जे इस प्रॉपर्टी से निकल कर भाग पाया। इधर घर में एक अनजान शख्स आया है, इसका चेहरा दिख नहीं रहा। पहले तो लिलियन पर फायर करता है, लिलियन यही दम तोड़ देती है। इसके बाद बारी लेटी की है। ये अनजान शख्स उसे भी शूट करके मार देता है। वो टीवी को भी एक्सप्लोड कर देता है। डॉग डर के मारे छिप जाता है। जे दौड़ता हुआ माइकल और डैन के पास पहुंचा है। वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। माइकल घर पर फ़ोन लगाता है, पर यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। इससे माइकल को जे पर शक हुआ है कि जे झूठ बोल रहा है, शायद वो कोई बात छिपा रहा है। तीनों घर पहुँचते हैं। यहाँ ये पाते हैं कि लेटी और लिलियन का मर्डर हो चुका है। माइकल इस हत्या का आरोप जे पर डालता है। जे कहता है कि माइकल बस उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। वो पुलिस के पास जाने की धमकी देता है। माइकल उसे समझाता है। जे इस पर मान गया है। वो कहता है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, पर इस हत्या का कसूरवार कौन है वो इसका पता लगाने की कोशिश करेगा। अब माइकल जे को रास्ते से हटाना चाहता है। वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में लेसन दे रहा है। इसका इस्तेमाल करके वो जे को फिजिकल और मेंटल सफरिंग देना चाहता है। जे क्लास से बाहर चला जाता है और डायन के पास जाता है। वो कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम मुझे पसंद नहीं करती,
तुम्हें तो बस मेरी ज़रूरत थी, इसलिए तुमने मुझसे संबंध बनाया। या वो माइकल के बारे में भी अपशब्द कहता है। यहाँ जे की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कपल को बिलियंस ऑफ डॉलर इनहेरिटेंस के तौर पर मिलने वाले हैं, इसलिए पुलिस के पास भी नहीं जा रहे। जे कहता है कि प्लानिंग तो बस लिलियन और लेटी को इनकॉम्पिटेंट साबित करने की थी, फिर उनका मर्डर क्यों किया गया। डायन जे के नज़दीक जाकर उसे किस करती है, वो उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, पर इस बार डायन के हुस्न का जादू जे पर नहीं चल पा रहा। माइकल इन दोनों की बातें सुन रहा है। इस कहानी में प्रवेश होता है सिंथिया का। सिंथिया जे की ही क्लास में पढ़ती है। वो भी माइकल के जाने के बाद डायन और जे की बातें सुन लेती है। वो जे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो कहती है, मेरे पास डायन और तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब तुम दोनों बोर्ड पर थे। वो कहती है कि इन तस्वीरों को माइकल और कैंपस में बाकी सबको दिखा देगी। जे यहाँ सिंथिया को दरकिनार करके चला जाता है। सिंथिया इसके बाद माइकल के घर के पास जाती है। वो इन तस्वीरों को उसे दिखाना चाहती है, पर अंतिम समय में वो अपना इरादा बदल लेती है। इधर जॉर्ज माइकल से पूछता है कि लिनियर और लेटी कहाँ हैं, काफ़ी दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए। माइकल भी क्या करता, वो झूठ बोलता है कि दोनों हवाई चली गए हैं। फिलहाल यही झूठ उसे मुनासिब लग रहा है। अगले दिन डायन जे को विजिट करने गैस स्टेशन पर जाती है। डायन उसे बोट की चाबी देकर चली जाती है। वो कहती है कि बोट पर वो उसे 2 घंटे बाद मिलेगी। उसके जाते ही जे तेज़ी से बोट पर जाता है, यहाँ के कैबिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। ऐसा लगता है जैसे जे खुद ही ये केस सॉल्व कर लेगा। इतने में यहाँ डायन आ जाती है। जे उसे बताता है कि उसे यहाँ टेलीविजन स्क्रीन ग्लास के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, शूज पर उसे ब्लड मिले हैं, एक गन मिली है, साथ ही हज़ारों डॉलर्स के बिल्स मिले हैं। ये बिल्स स्विट्जरलैंड के चिल्ड्रन साइकेट्रिक हॉस्पिटल को पे किए गए हैं। जे पुलिस को ये सब देना चाहता है। डायन कहती है, तुम पुलिस के पास मत जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो पुलिस माइकल को छोड़कर तुम पर ही शक करेगी। यहाँ वो ये भी बताती है कि माइकल बहुत खतरनाक किस्म का शख्स है। वो कहते हैं कि तुम साइलेंट रहो वरना माइकल वायलेंट हो जाएगा। इन सब से जे अब कन्विंस हो गया है, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। यहाँ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। शाम को माइकल ने डायन को कन्फ्रंट किया है। वो कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे छोड़कर उस छोकरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाया है। यहाँ डायन बचाव में अपना पक्ष रखती है। वो कहती है, तुम्हें मालूम नहीं कि वो छोकरा कितना खतरनाक है, उसे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, उसे तुम्हारी गन भी मिल गई है, और तो और वो हम दोनों पर जासूसी कर रहा है। ये सब सुनकर माइकल वाकई में वायलेंट हो गया है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वो पहुंचा है जे के पास। जे इस समय कैंपस में है। वो जे को धमकाते हुए कहता है, तुम्हें चाहे जो भी सबूत मिले हों पर तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते, घटना के वक्त वहाँ कोई गवाह मौजूद नहीं था, ऐसे में कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा, उल्टा तुम ही फंसोगे। जे को ये महसूस हो रहा है कि इस केस में वो भी फंस सकता है। जब उस घर में गया था तब उसने कुछ फिंगरप्रिंट्स वहाँ छोड़े थे। वो वापस लिलियन और लेटी के घर जाता है। वो फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करता है, पर जे की मुसीबत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने डायन से संभोग क्या किया, मुसीबतें उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर वो शख्स जिसने लिलियन और लेटी को मारा था वो प्रकट हुआ है। उससे बचने के लिए जे यहाँ से भागता है। अगले दिन जे फिर से डायन से मिला है। उसे बताता है कि कल क्या घटना घटित हुई थी। डायन यह बताती है कि गार्डनर दरअसल लिलियन का कज़न है। इधर सिंथिया को भी चैन नहीं, वो फिर से माइकल के घर पहुंची है। वो उन फोटोज़ को माइकल को दिखाना चाहती है, पर उसकी ये प्लानिंग फेल हो गई। वही अनजान शख्स सेंटा क्लॉज बनकर आया है, पर सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट नहीं लाया, वो सिंथिया को मार देना चाहता है। इधर कैंपस में डायन माइकल को देखती है जो कि उसे पे ऑफ कर रहा है। माइकल डायन से मिलकर आग बबूला होता है। वो कहता है, तुमने ही लिलियन और लेटी को मारा था, अब तुम जे को भी मारने की प्लानिंग कर रही हो, बस जे ही तुम्हारे रास्ते का अंतिम घाटा है, उसके बाद तुम सारी दौलत हड़प लेना चाहती हो। माइकल यहाँ ये भी कहता है, अब मैं और तुम साथ नहीं रह सकते, मेरे पीठ पीछे तुमने जे के साथ रति क्रिया की। डायन अगला दाव खेलती है। वो जे से मिलती है, उसे बताती है कि उसकी और माइकल के बीच लड़ाई हुई थी और उनके बीच क्या क्या बातें हुई। वो जे से पूछती है, क्या तुम मेरे पास हमेशा के लिए रह सकते हो। जे डायन के हुस्न के जादू के सामने इस बार भी घुटने टेक देता है। दोनों यहाँ फिर से रति क्रिया करते हैं। अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा है। डायन जब अगली बार जे से मिली है तब वो उसे बताती है कि वो माइकल को डिवोर्स देने वाली है। वो कहती है, माइकल हमारा रिश्ता टूटने की वजह तुम्हें बताता है, पर सच तो यह है कि तुमसे मिलने से पहले ही हमारा रिश्ता टूट चुका था।
बस फॉर्मेलिटी के तौर पर हम पति पत्नी थे। यहाँ तक कि लिलियन को भी ये बात नोटिस होती थी। जे को जैसे दुनिया का खजाना मिल गया है, वो तुरंत ही डायन को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं, एक दूसरे के शरीर का स्पर्श पाकर दोनों बेहद रोमांचित महसूस कर रहे हैं। इतने में माइकल यहाँ आ गया है। जे जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। फिलहाल डायन भी अपने आप को ड्रेसअप करने में लगी है। ये घर जे का है। माइकल यहाँ चारों तरफ डायन को ढूंढता है, पर जे उसे कन्विंस करता है कि वो यहाँ नहीं है। माइकल बाहर जाता है और डायन की कार देखकर समझ जाता है कि डायन यहीं है, पर वो देर हो गया। जब वो घर पहुँचता है तब तक जे और डायन यहाँ से भाग चुके हैं। वो दोनों बोट पर पहुँचे हैं। बोट पर भी दोनों का रोमांस जारी है। डायन कहती है, मुझे तुम्हारी बेहद ज़रूरत है, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। यहाँ जे जो कि डायन के प्यार में दीवाना है, अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है। पर माइकल जो कि कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा है, वो इन दोनों को ट्रैक डाउन कर लेता है। वो दोनों को रतिक्रिया करते हुए देखता है। वो जे को शूट करके मार देने वाला है, पर अंतिम समय में वो अपना फैसला बदल लेता है। माइकल इस समय उदास है। उसने पैसों के लिए और डायन के लिए क्या नहीं किया, पर ऐसा लगता है कि उसके हाथ से दोनों ही निकल जाने वाले हैं। डायन तो अब किसी और की हो चुकी है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो गमगीन होता है। इतने में पीछे से वो अनजान शख्स प्रकट होता है। स्टैब करके वो माइकल को ही मार देता है। माइकल अंतिम सांस तक उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर मारने वाले के हाथ में चाकू है। भला चाकूधारी हमलावर के सामने जख्मी माइकल कब तक ठहर पाता। उसकी मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई है। शोर सुनकर जे और डायन अपनी रतिक्रिया रोकते हैं। दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं। हमलावर यहाँ से भागता है। डायन और उसका प्रेमी जे दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। इन दोनों की सांसें काफ़ी तेज हो गई हैं, पर वो हमलावर है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों और भी तेज़ी से हमलावर का पीछा करते हैं। वो लिलियन और लेटी के घर में घुसता है। यहाँ जॉर्ज मौजूद है। वो हमलावर को कन्फ्रंट करता है। यहाँ पता चलता है कि हमलावर और कोई नहीं बल्कि मार्टिन है। मार्टिन बताता है कि जिसे उसने मारा वो उसकी माँ और ग्रैंड मदर थी। मार्टिन को बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती। मार्टिन बताता है कि उसने ही ऐसी साजिश की जिससे ये लगे कि डायन और माइकल ने मिलकर मार्टिन को स्विट्जरलैंड भेज दिया। इसे उसकी माँ और ग्रैंड मदर डायन और माइकल को अपनी जायदाद से दूर रखेंगे। यहाँ मार्टिन जॉर्ज को भी गुस्से में मार देता है। इधर डायन और जे चारों तरफ ढूंढते हैं। उन्हें मार्टिन की फ़ोटो मिली है और साथ ही उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। इन सब से यहाँ एक राज का पर्दाफाश हुआ है। जॉर्ज और लिलियन की एक नाजायज़ औलाद थी। अगर वो औलाद अभी भी ज़िंदा है तो उसे ये सारी जायदाद मिल जाएगी। इन्हें डायग्नोस्टिक मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। ये मार्टिन के स्विट्जरलैंड वाले डॉक्टर के हैं। इसे ये साफ होता है कि मार्टिन को हेरिडिटी बीमारी है। मार्टिन की लाइफ टर्मिनल है, यानी वो कभी भी मर सकता है, और साथ में वो साइकिक किलर बनता जा रहा है। दोनों इसके बाद एटिक पर जाते हैं। यहाँ मार्टिन इन्हें ब्लॉक करता है। वो इन दोनों को लॉक कर देता है। यहाँ इन्हें सिंथिया की लाश मिली है। डॉग को रस्सी से बांधा गया है। दोनों से रस्सी से खोलते हैं। यहाँ इन दोनों को लिलियन और लेटी की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं। यानी सारा हत्याकांड मार्टिन ने अंजाम दिया है। अब वो डायन को भी मारना चाहता है। जे और डायन यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। दोनों एटिक विंडो से निकलना चाहते हैं, पर मार्टिन यहाँ भी आ जाता है। वो इन दोनों को भी मार देना चाहता है। जे को यहाँ राइफल मिल जाती है। वो इसे मार्टिन को शूट कर देता है। डायन मार्टिन का मांस उतारने को जाती है। वो उसे चोक करने की कोशिश करती है। जे इतने में दोबारा शूट करता है। इस बार मार्टिन की जान निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समर आने वाला है। डायन जे से मिलने जाती है। वो कहती है कि छुट्टियां मनाने वो आउट ऑफ टाउन जा रही है। डायन उसे एयरपोर्ट पर ड्राइव करने को कहती है। वो जे से कहती है, जो दौलत उसे हासिल हुई है सब जे की वजह से हुई है। अगर जे नहीं होता तो ये सब कुछ उसका नहीं हो पाता। वो अपनी कार जे को गिफ्ट के तौर पर देती है। वो जे को अपने साथ हवाई आने को ऑफर करती है। जे बड़ी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को कबूल करता है। इतने में जे का बॉस उसे फायर करने की धमकी देता है। दोनों साथ में यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और हॉलीडे को एक साथ इंजॉय करते हैं। फिल्म के एंड में मार्टिन की ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई, पर मेडिकल रिकॉर्ड से ये साफ है कि मार्टिन और कोई नहीं बल्कि लिलियन और जॉर्ज की नजायज औलाद थी। लिलियन ये चाहती थी कि सारी दौलत मार्टिन को मिले, और इसलिए वो माइकल और डायन को अपने से दूर रख रही थी। पर मार्टिन की साइकोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से उसे हमेशा डर रहता था कि उसकी दौलत उसे नहीं मिलेगी। इसलिए उसने इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया ताकि सब कुछ अपने नाम कर सके। पर अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसकी जान निकल गई और सारी दौलत डायन और जे को मिल गई। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।